अघोरी जो घृणा से परे है, अघोरी जिसके मन में न दुग है न सुग है, अघोरी जिसने संसार को त्याग करके शमशान में ही बस गया है, अघोरी जिसके मन में खाली शिवमय है, अघोरी एक ऐसा संप्रदाय जो शुभ को भजते, अघोरी ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, अघोरी शांत पर्वत भी कह सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसे संसार रहस्यमय की निगाहों से देखता है। आज एक ऐसी अघोरी के बारे में जानेंगे जो पिछले 14 सालों से उज्जैन के शमशान में बस गए हैं। इनका नाम है बम्बम नाथ। ये 14 सालों से महाकाल की सेवा में लगे हुए हैं। हर दिन प्रातः 4 बजे शरीर में चिता का भस्म लगा करके ये महाकाल मंदिर भस्म आरती के समय पहुंच जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में और इनकी रहस्यमयी जीवन के बारे में जान लेंगे। दोस्तों, अभी मैं शमशान में हूँ और मेरे जो पीछे जो लकड़ी देख रहे हैं, ये चिताओं में दिया जाता है शरीर को राख करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए ये लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं उज्जैन के महाकालेश्वर शमशान में हूँ और मिलने जा रहा हूँ बम्बम नाथ जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो चलिए उनका दर्शन करेंगे और उनसे जानेंगे अघोरी पंथ के बारे में और अघोरियों से हमारे सनातन धर्म और अघोरियों से हमारे भोलेनाथ जी के क्या कनेक्शन है। तो चलिए जान लेते हैं। ये शमशान का वातावरण है, आप देख रहे हैं पूरा शून्य है। ऐसा लगता है कि भोलेनाथ विराजमान है। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का नाम लो और पढ़ते रहो। चिताएं जल रही हैं, आप देख रहे हैं मेरे सामने, और स्वयं जहाँ पे भोलेनाथ जी विराजमान है वहाँ पे क्या डरना। आसपास के वहाँ पे चिताएं जल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्बम नाथ जी का दर्शन कर लेंगे, वहीं पे उसका आश्रम है। और ये जो सामने में ये चिताएं हैं, ये जो सामने में देख रहे हैं, तो ये बड़े बड़े चिताएं हैं। शमशान में तंत्र मंत्र विद्याएं यहाँ पे अभ्यास किया जाता है। ये जो चिताएं देख रहे हैं, ये चिताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिताएं से गर्मी आपको महसूस तो करा नहीं पाएंगे, परंतु गर्मी है चिताओं में। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आज मैं हूँ उज्जैन के शमशान में। भोलेनाथ का शमशान से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये भोलेनाथ और शमशान का क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, क्यों इतने देवता देवी देवता है, वो ऐसे जीवन चुन क्यों नहीं लिए, भोलेनाथ ही देवों के देव महादेव, वो कैसे चुने, ये सब चीज़ जानेंगे बम्बम नाथ जी से। आपने काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब में उनके देखे हैं, तो आज उनसे कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जो शायद आप लोगों को पता नहीं हो, हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे भोलेनाथ जी के बारे में, जो भोलेनाथ जी के भक्त हैं उनके बारे में। तो हमारे सामने में बम्बम नाथ जी हैं। शयन में थे, हम आए थे यहाँ पे तब शयन कर रहे थे, तो मैंने अपना ऑटोला को छोड़ दिया। तो काफ़ी दिनों से उनके बारे में काफ़ी कुछ मैंने सुना देखा। तो महाकाल की अगर डॉक्यूमेंटेशन बन रही है, महाकाल के बारे में अगर कुछ हो रहा है, अगर वो नहीं रहे तो मेरे ख्याल से अधूरा हो जाता है। आइए उनसे जान लेते हैं महाकाल के बारे में, महादेव के बारे में। चलिए जान लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम्बमनाथ अघोरी है। मैं उज्जैन चक्रवर्ती शमशान में निवास करता हूँ। रह गया अघोरियों का कि निवास,
और भगवान भोलेनाथ का निवास शमशान में ही है। शमशान दुनिया का सबसे पवित्र भूमि है और इससे पवित्र भूमि कहीं होती नहीं है। कहाँ कि जहाँ सारे एक समान हो, जहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता है और सबको एक ही है कि चार बाई छः पे जला दिया जाता है। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, और वहाँ भोलेनाथ हमेशा निवास करते हैं, शमशान में भस्म रमाते हैं। भस्म ही उनका जीवन है क्योंकि सृष्टि भस्म रस से रची गई है। सृष्टि की रचना ही भस्म से हुई है क्योंकि सृष्टि भस्म है, धरती मिट्टी है, भस्म है, संसारी भस्म और मिट्टी से चल रहा है और संसारी की रचना हुई है मिट्टी और भस्म से। इसलिए शमशान दुनिया का सबसे पवित्र भूमि है जहाँ भोलेनाथ निवास करते हैं। राजा अघोरी, अघोरी वही होता है जो आवागमन से परे होता है, वह भेदभाव नहीं मानता, ऊंच नीच नहीं मानता, जात पात नहीं मानता, कर्म कुकर्म कुछ नहीं मानता। सिर्फ उसके जिंदगी में एक ही चीज़ है, परमात्मा। जहाँ आत्मा को संतुष्टि मिल जाए वहीं परमात्मा का निवास होता है। तो शमशान में ही परमात्मा का निवास होता है जहाँ सबको संतुष्टि मिलती है, आगे आराम से सो जाता है, ना किसी से भला कहता है ना बुरा कहता है। यह तो हर मनुष्य के जिंदगी का और कर्मों का खेल होता है। तो मेरे कर्म में ही लिखा था तो मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ। और है गया ये जिंदगी इतनी कठिन है कि जिसको जीना मुश्किल है, और इतना सरल है कि जिसको कल्पना भी करना मुश्किल है। लेकिन अगर जीने का सही तरीका आप जान जाए तो महाकाली मेरा जीवन है। अभी महाकाल को भस्म चढ़ती है तो ये मैं नहीं जानता कि कहाँ की भस्म चढ़ती है। जब चढ़ती थी तब चढ़ती थी, लेकिन मेरे महाकाल को जरूर भस्म चिता के चढ़ती है। जो मैं भगवान महाकाल को इंदौर में स्थापना किया है, 8.5 फुट का शिवलिंग है, उस पर रोज भस्म चढ़ती है। इंदौर की जितनी भी चिताएँ जलती है उसकी भस्म आती है, रोज चढ़ती है। और जब कभी नहीं मिलती है तो उज्जैन से जाती है, वो चढ़ती है। ये मैं लिखित देता हूँ, मैं प्रमाण देता हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने ही शिवलिंग पे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की भस्म का अवरेनमन किया है, उसको चढ़ाया है भगवान महाकाल को। हर हर महादेव दोस्तों, बाबा जी ने जो बात कहा अगर हम लोग सोचे तो एकदम सच बात है। जिंदगी का सच को एकदम आपके सामने रखा। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे सामने और एक बाबा जी है, क्या नाम है आपका? नरेगिरी जी बम नाथ जी के शिष्य हैं। और पीछे में आप देख रहे हैं शमशान की चिताएं जल रही हैं। इतना हम लोग जीवन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दिन हमें इस राग बनना है। जिंदगी में कुछ लेके आए थे नहीं और लेके जाएंगे भी नहीं, सब कुछ देके जाना पड़ेगा। रह जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा अच्छे काम, जो कर्म हम किए या बुरे काम। अगर अच्छे काम करोगे तुम्हारी भलाई होगी, तुम मर के भी जीवित रहोगे। अगर बुरे काम करोगे तो तुम्हारा भलाई तो नहीं होगी, मर के भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यही है जीवन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।